अभी हल्की है लेकिन जब सारा काम लग जाएगा उसके बाद देखना। अब डिपर मारना। तो डिलीवरी गाड़ी की अभी आई है यहाँ पे 24/4 2 बजे। तो शोरूम से अब जो गाड़ी निकल रही है वही विद नंबर प्लेट के साथ ही निकल रही है। यहाँ पे रिंग लगा दिया, तो पहले आपको ये रिंग लगानी पड़ती है, उसके ऊपर ही आप स्पीकर रोक सकते हो। तो ये एक पन्नी है, ठीक है, बिल्कुल पन्नी टाइप है। इधर बाकी भाई ने यहाँ पे फिटिंग कर दी है पूरी डैम्पिंग की ना। अभी ये सिंगल डैम्पिंग है तो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया। और ये देख रहे हो कितनी, आप देख सकते हो AS ऑटो शीट वाली कंपनी है, ठीक है। तो ये भी देख लो, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी हमारे जो फिटिंग वाले साजी बता दें कैसा है कपड़ा। बढ़िया पक्की बात है, चलो। फुल क्रोम वाली ग्रिल लग रही है अभी ये वाली। ये सारे के सारे कलर कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रही है। ये चीज़ अलग से लगती है, ये वाली जो चीज़ होती है इसमें, ये वाली जो पार्ट है ये क्रोम में हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है। अलॉय लगने के बाद तो गाड़ी में जो जान आती है ना भाई, बिल्कुल हटो बचे वाली आ जाती है। उसके ऊपर एक ये चीज़ लग जाती है जो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, क्रोम है। गाड़ी जो लग रही है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, पीछे से आप चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ये चीज़ देख सकते हो आप, बार बार जब इसे लॉक करोगे अनलॉक करोगे तो ये आपका ये कुछ ऐप रहती है, इस चीज़ से कंट्रोल करता है। लाइट ऑन हो चुकी है, एक बार भैया इसको करके दिखाना, पूरा कलर चेंज कर दिया। पूरी जो कलरिंग है ना वो एक नंबर लग रही है गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब कुछ अपना बढ़िया काम करेगा, ठीक है। ये पैदारों में लगा था, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। क्रोम में जो आते हैं टॉप मॉडल में लग के, वो चीज़ आप चेंज करा सकते हो। कैसे आप लोग, तो भाई आज अपने पास फिर से आई है अपनी नई वाली बलिनो, और इसके अंदर भी एक अलग लेवल के भाई अलॉय डले हुए हैं। तो भाई सारी बात करेंगे, पूरी मॉडिफिकेशन हो रही है। ये पूरा जो मॉडल है अपना वो बेस मॉडल है सिग्मा वेरिएंट। तो ये आई है अपनी महीकार एसेसरीज पे दोबारा से, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो भाई सब कुछ स्टॉक है, मतलब पूरा की पूरी जो गाड़ी है वो शोरूम से जस्ट निकल के आई है। तो नीचे ऊपर अभी भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ अलॉय लगे हैं, और गाड़ी पूरी अंदर से ही पूरी की पूरी स्टॉक है। स्टॉक की वगैरह सब कुछ इसका ऐसे ही है, उसमें ना कोई प्लेयर है ना कुछ है। तो भाई सारा कुछ अपन इंस्टॉल करने वाले हैं, तो स्टेट्यून भाई देखते रहना क्या क्या आपके क्या क्या हमारे जो कस्टमर है इसके अंदर इंस्टॉल करवाते हैं, और हम कितनी ज़्यादा फिनिशिंग इसके अंदर दे देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मजा आने गाड़ी के अंदर क्या चीज़ हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हेडलाइट भी खुलेगी भाई इसकी, हेडलाइट में क्या काम होगा, DRL और डेमन है। तो भाई जिस चीज़ के लिए अपनी वीडियो फेमस है वो चीज़ इसके अंदर होगी। तो अभी भाई देखा, जैसे कि आपने देखा कि ये पूरी की पूरी लाइट जो थी वो स्टॉक है, अभी इसके अंदर कोई DRL नहीं है, कोई कुछ नहीं, अभी जो इसका लुक है। एक भाई इसकी लाइट ऑन करना, लाइट ऑन करके देखना भाई क्या जो लुक आ रहा है इसका। अभी तो ये पीली वाली लाइट चल रही है इसकी, हेडलाइट ऑन नहीं, चाबी ऑन करो, चाबी ऑन करो, हाँ हो गई हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरी हेलोजन लाइट के साथ, और उसका जो कुछ यहाँ पे देखो ये कुछ रिस्पॉन्स है इसका, हेलोजन लाइट है। और यहाँ पर अभी मतलब देखने में खाली खाली से फील आ रहा है, लेकिन जैसे इसके अंदर हम डिमनाई वगैरह लगा देंगे इसका जो मज़ा है वो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखो गाड़ी जो लग रही है ना, अभी हल्की है लेकिन जब सारा काम लग जाएगा उसके बाद देखना इसमें कितना ज़्यादा मजा आएगा। सीरीज पे जितने भी बंदे हैं सारे के सारे भाई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भाई हमारा रिंकू भाई इसका गेट वगैरह खोल रहा। तो भाई यहाँ गेट क्यों खोला जा रहा है, अभी स्पीकर लगेंगे। तो मतलब जैसे कि इस गाड़ी के अंदर स्पीकर भी नहीं आते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ना स्टीरियो आता ना स्पीकर आता। तो भाई बता रहा है अभी चारों गेटों के अंदर हम स्पीकर वगैरह इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी भाई इसके अंदर भी आपको कंपनी ये चीज़ नेक्सा का दे रही है, मतलब कंपनी मतलब पूरी की पूरी मज़ा तो दे रही है जो हमने जीटा वाले में देती थी। शायद इसका कॉस्ट हो सकता है फ्री भी दे दिया हो, पता नहीं मुझे, ये तो भैया जिनकी गाड़ी है उन्हीं को पता होगा। बाकी भाई खुलने रहता है, डिलीवरी है गाड़ी की अभी आई है यहाँ पे 24/4 2 बजे, मतलब 3 बजे ये डिलीवरी हुई थी। तो यहाँ पर कई लोग कह रहे थे कि भाई गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट कहाँ से आ गई, तो देख सकते हो भाई गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट लगी हुई है। तो शोरूम से अब जो गाड़ी निकल रही है वही विद नंबर प्लेट के साथ ही निकल रही है। कुछ गाड़ियाँ विदाउट नंबर निकल जाती हैं, बट यहाँ पर आपको विद नंबर के साथ दिख रही है। तो बहुत सारे लोगों ने भाई कमेंट कर दिया था कि भाई गाड़ी नहीं है और नंबर प्लेट कैसे आ सकती है। तो भाई नंबर प्लेट ऐसे आती है, आपको डिलीवरी की रिसिप्ट भी दिखा दी चुकी है गाड़ी की, और यहाँ पर काम चालू हो चुका हैडलाइट का। तो भाई पूरे हेडलाइट की जो सील है वो पूरी खोली जाएगी, मतलब मैं भी परफेक्ट हो गया हूँ जो बता सकता हूँ कि भाई क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। पहले इसकी सील खोली जाएगी, उसके बाद पूरा जो ये वाला जो शीशा होता है वो हट जाएगा, उसके बाद भाई सारा कुछ अंदर वंदर के सारा कुछ खोल देगा, उसके बाद पाइप लगाएगा, फिर वापस से बंद कर देगा, और उसको अच्छी तरीके से पैक कर देगा ताकि वो पानी वानी में जाने में भी ख़राब ना हो। तो प्रॉपर जो सीलेंट होती है वो कर देगा। अभी दोनों लाइटें आपकी स्टॉक की हैं, जैसे DRL लग जाएगी उसके बाद आपको चल रहा है यहाँ पर डैम्पिंग का। तो डैम्पिंग भाई कर रहा है यहाँ पे, कौन सी वाली डैम्पिंग है भाई, नीड फॉर स्पीड वाली है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डैम्पिंग है। और भाई 2 लेयर डैम्पिंग होगी, बाहर भी होगी भाई इसमें, बाहर भी होगी। अच्छा, दोनों अंदर बाहर दोनों साइड होंगी। और अभी भाई ने यहाँ पे रिंग लगा दिया, तो पहले आपको ये रिंग लगानी पड़ती है, उसके ऊपर ही आप स्पीकर रोक सकते हो, डायरेक्ट बॉडी पर नहीं रखते। काफ़ी अच्छे फायदे भी है इसके, पानी वानी गिरता है तो आपके डायरेक्ट स्पीकर पर ना जाके यहाँ से जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। और डैम्पिंग लग जाएगी तो फिर तो बात ही एक अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो मेन गेट है उसकी जो काम है वो नहीं, भाई जो हमें प्रोवाइड करती है वो ये वाले कुछ कवर्स प्रोवाइड करती है। तो ये एक पन्नी है, ठीक है, बिल्कुल पन्नी टाइप है। इधर
तो ये दे रही है अभी, और जो अंदर की साइड में नहीं होता बस बार बार होता है, ठीक है, ये दे रखा। और वहाँ पर अभी हम लगा रहे हैं पूरे में डैम्पिंग, तो दोनों में फ़र्क आपको दिख ही गया होगा कि वहाँ जो डैम्पिंग लग रही है उसमें अभी बाद में दिख जाएगा जब मैं पूरी पैकिंग की डालूंगा। और यहाँ पर आपको सिग्मा वेरिएंट के अंदर भाई आपको ये वाला जो कवर है ना पूरा हटाना पड़ता है, यानी कि पूरा इसका कवर आता है वो हटेगा तभी आपका 9 इंचेस वाला जो एंड्रॉइड होता है वो लगता है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं भाई ये वाली डैम्पिंग, देखो भाई सारी कुछ मतलब डैम्पिंग भी कोई ऐसी लोकल डैम्पिंग नहीं है, देख रहे हो नीट फॉर स्पीड की डैम्पिंग है, तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या क्या चीज़ होती है। बाकी भाई ने यहाँ पे फिटिंग कर दी है पूरी डैम्पिंग की ना, हल्का सा नीचे रह रहा है, बाकी देख लो भाई फिटिंग कैसी आ रही है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, बट इसके ऊपर भाई आपका ना कवरिंग हो जाएगी तो कोई वाली बात ही नहीं है। तो अभी भाई ने ना ये देखो पूरा हार्ड कर दिया इस चीज़ को, ठीक है, आप सॉफ्ट वाला सीन ही बचा ही नहीं है, मैं आपको चेक करा पाऊँ, पर हाँ यहाँ फेंडर पर चेक हो जाएगा ये। अभी ये सिंगल डैम्पिंग है तो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया, और ये देख रहे हो कैसा ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल दबता भी है यार ये, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, अभी ये चीज़ें प्रेस नहीं होगी, बिल्कुल हार्ड हार्ड टाइप फील होगा, और इसमें तो बहुत ज़्यादा फील होगा, ये तो पूरी हो गया। गाड़ी के अंदर ना सारी सीट वगैरह हटा दी, तो इसके सीट कवर वगैरह काम चल रहा है, आपको वो भी दिखाता हूँ कहाँ का चल रहा है। बाकी सीट वगैरह सब प्रॉपर तरीके से निकाल के उसके बाद ही सीट कवर चढ़ाए जा रहे हैं, और जो सीट कवर है मलिनों की निकाल के जो कि अभी रखी हुई है वहाँ पर भी काम चल रहा है, यहाँ पर भी काम चल रहा है, साथ साथ में ये पीछे वाला बैक है इसका तैयार हो रहा है। तो इसमें उस्ताद जी क्या कर रहे हो अभी तुम? सीट कवर लगा रहे हैं इस वाली में, पूरी नई वाली मलिनों का सीट कवर है, एक बार सीट कवर भी चेकआउट कराया था आपको, तो कुछ ये वाली सीट कवर उस्ताद जी पकड़ना एक बार, ये चीज़ चेक कवर है जो कि अभी इसके अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, हमने काफ़ी सारे सीट कवर दिखाए थे उसके अंदर ये वाले चूज़ किए गए हैं, और उसके बाद आप ये देख सकते हो भाई कंपनी आप देख सकते हो AS ऑटो शीट की वाली कंपनी है, ठीक है। तो ये भी देख लो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बाकी हमारे जो फिटिंग वाले साजी बता दें कैसा है कपड़ा? बढ़िया बढ़िया पक्की बात है एक नंबर। चलो भाई तो ये पूरा पूरा पहले फिटिंग करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या, ये एक अलग सा इंटीरियर होगा थोड़ा सा, तो देखते हैं भाई गाड़ी के अंदर क्या मतलब काम चल ही रहा है। और इसकी जो ये वाली ग्रिल है अभी हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद अभी हम कौन सी ग्रिल लगा रहे हैं भाई, ग्रिल दिखाइए, ये देखो फुल क्रोम वाली ग्रिल लग रही है अभी ये वाली, और लाइटें वगैरह भी यहाँ पे ना लाइट भी रेडी है इसकी पूरी, DRL वगैरह लग चुका है इसके अंदर, और बस फिटिंग बाकी है। तो एक बार इसकी जो ग्रिल है ये भी फिट करते हैं, और ये नीचे वाला सिस्टम भी कुछ अलग ही लगेगा। फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताया था उसके अंदर हमने पार्सल ट्रे का भी काम किया, तो भाई जो नेक्सा जेन्युइन पार्सल ट्रे आती है आपको ये भी मतलब मिल जाती है, चीज़ काफ़ी बढ़िया आती है जो कि ऊपर वाले मॉडल के अंदर लग के आती है, तो भाई ये काफ़ी बढ़िया बात रहती है। तो भाई ये कुछ इस तरह से जो पार्सल है अपनी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मतलब कोई भी सामान वगैरह रखना हो इसके ऊपर भी आप रख सकते हो, और लगती भी काफ़ी अच्छी है, और आपका जो अंदर का पीछे की डिग्गी होती है बूट होता है वो पूरा उसके अंदर कोई देख नहीं पाएगा अगर मैं इस डिग्गी को बंद कर देता हूँ, तो यहाँ से ये देखो जो लुक आ रहा है भाई बढ़िया आ रहा है, और आप इसके अंदर देख भी नहीं पाओगे क्या रखा है। भाई फाइनली रेडी हो चुकी है बलिनो भाई, एक बार देख लो डेविल लुक देख लो भाई, पूरा हमने नाइट वाला विजन करके आपको दिखा दिया। तो भाई ये कुछ है जो हम लोग आजकल इसकी जो हेडलाइट है पूरी बना रहे हैं, तो ये चीज़ देख सकते हो भाई, ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है जिससे आपके इसके सारे के सारे जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे कलर कुछ जैसे चेंज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना भाई कैसी लग रही है, देखो सारे कलर चेंज होंगे यहाँ पे, इस ऐप कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन भी आते हैं तो वो सारे कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ है इसका भाई फ्रंट वाला प्रोफाइल जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ये जो गाड़ी थी अपनी सिग्मा वेरिएंट गाड़ी थी, इसके अंदर जो ग्रिल आती है भाई आपको क्रोम वाली ग्रिल नहीं मिलती है, बट हमने ये वाली ग्रिल भी इंस्टॉल किया, इसके साथ साथ भाई इसके नीचे ये वाला जो ऑप्शन आता है, ठीक है, ये चीज़ अलग से लगती है, ये वाली जो चीज़ होती है ये अलग से होती है। ये मनीष भैया कौन कौन से उसके अंदर होती है? ये ना क्रोम में भी आता है और ब्लैक में भी आता है, ब्लैक में भी आता है, ठीक है, मतलब तीन कलर में हमें मिलता है। तो ये इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा शूट करा, क्योंकि जो ग्रे कलर है तो काफ़ी ज़्यादा शूट भी कर रहा है इसके साथ, और इसके फॉगलम वाले भी आते हैं ना, क्रोम में आते हैं, उसमें एक लाइन क्रोम वाली रहती है, पसंद नहीं था तो भाई भैया को हमने क्रोम वाला जो ऑप्शन था वो भी दिखाया था, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये चीज़ देख लो, इसमें ये वाली जो पार्ट है ये क्रोम में हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भैया। नीचे हमने इसमें IPS का यूज़ किया भैया, विद HID यूज़ किया, LED नहीं, LED लगाया इसमें, क्रिस्टल है 120 में, फॉग लाइट में हमने IPS के साथ LED लगाया, सेम लगाया भैया, नीचे भी वही लगाया और ऊपर वही, तो टक्कर मतलब HID की टक्कर होती है, उससे ऊपर है या कैसा रहता है? ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, तो दोनों में हमने इसमें LED डाले हैं। तो कौन कौन सी LED है दोनों के अंदर भैया? क्रिस्टल है 120 वाट, दोनों में 120 वाट है। तो भाई इसकी जो लाइटिंग है वो भी आपको चेकआउट करा दूंगा, फिलहाल ये थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अगर भाई कुछ जादू वाली चीज़ है वो है साइड में जो कि भैया ने लगाए थे इसके अंदर 16 इंचेस के अलॉय, तो गाड़ी भाई जो लग रही है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, अलॉय लगने के बाद तो गाड़ी में जो जान आती है ना भाई बिल्कुल हटो बचे वाली आती है, तो स्टार अलॉय लगवा रखे थे भैया ने जो कि भैया यहीं पर इंस्टॉल कराए हैं, वॉसन के यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, चीज़ देख सकते हो आप, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई, तो जो गाड़ी लग रही है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, स्टार अलॉय के साथ तो गाड़ी मतलब लगी जाती है, अगर अलॉय कोई भी हो अगर गाड़ी के अंदर अलॉय डल जाता है तो गाड़ी के अंदर बढ़िया तरीके से जान आ जाती है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, तो ये जो ऑप्शन है भाई सिग्मा वेरिएंट के अंदर ही आपको मिलता है, तो इसके ऊपर एक ये चीज़ लग जाती है जो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, क्रोम है, तो इस गाड़ी में कुछ ना कुछ हमने थोड़ा बहुत क्रोम टच भी देना था तो हमने ये टच दिया थोड़ा सा। तो भैया ये क्या चीज़ है, मतलब क्या रहता है ये? साइड विंड आता है, ये लुक की गार्निश है,
लुकिंग के लिए। तो अपने पास ऐसे कितने ऑप्शन है हमारे पास गाड़ी के लिए? ब्लैक भी आता है, क्रोम भी आता है, ग्रे भी आता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को मतलब ऐसा है कि इस गाड़ी के अंदर ऑप्शंस हमारे पास आगे पीछे इधर उधर बहुत सारे हैं। सारे है ना, जो भी ऑप्शन आता है सारे अवेलेबल। अच्छा, ये चीज और बता दो कि लोग पूछेंगे जब सारी चीज क्रोम कर दी आपने, ये क्रोम क्यों नहीं की? ये हैंडल क्रोम में ना फर्क आ रहा है, मतलब एक दो लगाए भी है, मारुति जेन्युइन भी लगाया। अच्छा, गैप आ रहा है इसमें, इसको नहीं लगाया। अच्छा, गैप आ रहा है इसमें। तो भाई ये चीज चेकआउट कर सकते हो, इसमें थोड़ा गैप था लेकिन हम इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी। हाँ जी, है ना, तो जल्दी हम इसको सॉल्व कर देंगे, जो कि भाई गाड़ी अभी फिलहाल के लिए अच्छी लग रही है। जो चीज अच्छी नहीं लग रही उसको लगाने में कोई फायदा नहीं है। बाकी ये चीज भैया ये क्या है, ये मारुति जेन्युइन क्या है ये? भैया आफ्टर मार्केट लगा, जेन्युइन भी मिल जाएगा। मिल जाएगा, तो उसमें प्राइसिंग में कितना फर्क रहता है भैया? भैया तकरीबन 500-600 रुपये, मतलब जो मारुति वाला 500 का ऊपर आता हो। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर की, मतलब ये आपको नीचे क्वालिटी बोल के भैया आपको कैसी लग रही है मारुति जेन्युइन, इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है आपको? ये तो क्वालिटी बढ़िया आती है ना, ये तो हमारे पास हमें तो शुरू से आ रही है, लेकिन आजकल वो चल रहा है ना, आजकल मारुति जेन्युइन, नेक्सा जेन्युइन, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? सेम ही होती है, कोई फर्क नहीं होता भैया, सेम ही होती है। तो भाई ये चीज़ देख लो भाई, मतलब इसके अंदर मुझे भी पता है, ये मैं भैया से जान पूछ के बुलवा रहा हूँ कि भाई आप लोगों को पता चले कि इसकी जो क्वालिटी आती है हमारे पास काफ़ी अच्छी है, शुरू से चलती आ रही है। ये आजकल नया नया चला है कि मारुति जेन्युइन, नेक्सा जेन्युइन, तो भाई हम आपके लिए वो सारी चीज़ें भी अवेल करवा रहे हैं। एक बार इसकी लाइट ऑन करना, एक पॉइंट ऑन करना, ताकि इसके पीछे के रिफ्लेक्टर भी ऑन हो जाए। तो यहाँ पर भाई आपको डमी रिफ्लेक्टर मिलते हैं, बट यहाँ पर हमने लगा दिया मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर। तो ये देख लो भाई, काफ़ी एक नया डिज़ाइन के साथ आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। एक बार इंडिकेटर दियो भाई इसका। तो भाई यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, जो उसके इंडिकेटर है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। मतलब ये इंडिकेटर में भी आपको साथ दे रहे हैं और ब्रेक में भी देते हैं, प्लस पार्किंग में भी, तीनों ऑप्शन इसके अंदर काम करते हैं। गाड़ी जो लग रही है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, पीछे से आप चेकआउट कर सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और अलॉय भी देख लो, एक तरफ से लुक जो आ रहा है ना अलॉय के साथ, वो भी बढ़िया है। बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की भी, तो इंटीरियर के अंदर जो भी चीज़ लगी है, एक बार यहाँ पे कैमरा भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैमरा आपके लिए छुड़वा रखा है, कि कैमरे को पहले हम सीधी तरीके से माउंट करेंगे, उसके बाद ही इसको अंदर करेंगे। तो कुछ ऐसा करके पॉज करेंगे, यानी कि पुश करेंगे और ये अंदर की तरफ चले जाएगा। तो भाई एक बार ये बैक साइड के अंदर जो हमारे पास रह गया वो आगे डिग्गी पट्टी, इसको बोलते हैं भाई। तो ये क्रोम में भी आती है, लोकल में भी आती है, लेकिन ये जो आती है ना थोड़ी मोटी सी होती है, और ये जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। भैया वो एलुमिनियम वाली होती है क्या होती है, वो स्टील वाली जो आती है? नहीं, ये तो एबीएस वाली है, कि स्टील में भी आती है ना इसमें? वो अभी नहीं आई है, न्यू वाली नहीं आई है, नहीं आई है, इसमें ही आती है। अच्छा, तो फिलहाल ये जो चल रही है एबीएस वाली, वैसे मुझे ये वाली अच्छी लगती है, कंपनी शुरू से बढ़िया होती है, एबीएस वाली अच्छी होती है। तो भाई ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और भैया साइड मिरर के बारे में आप क्या बता रहे हैं, जो उसके साइड मिरर है? साइड मिरर के भैया क्या बता रहे थे, इसके अंदर हमने चेंज किया, क्या चीज़ किया हमने? पूरा साइड मिरर ही चेंज हुआ है। अच्छा, पूरा साइड मिरर पहले जो लग रहा था इसके अंदर नॉर्मल वाला ब्लैक लग रहा था, तो ये चीज़ पूरा चेंज हुआ भाई, ये देख सकते हो। एक भैया की निकाल के इसको करके दिखाओ, आप जैसे बता रहे थे कि की से भी अनलॉक लॉक होगा, पूरी की निकाल के करके दिखाओ एक बार। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, इंडिकेटर भी चलेगा ना इसमें, तो लॉक करेंगे तो इसके अंदर देखो भाई इंडिकेटर भी चला, साथ में फोल्ड भी हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब जैसे आप गाड़ी अनलॉक करोगे आपके जो साइड मिरर, ये भी देखो, बहुत बढ़िया बात है। मतलब भैया इसका जो खर्चा वर्चा रहता है वो अपने क्या रहेगा इसका? अपना 12,000 के अराउंड भैया ओवरऑल, इसे लॉक के साथ। लॉक के मतलब आपने बताया था कि 1300 समथिंग एक्स्ट्रा लगते हैं, तो उसके बाद आपका ओवरऑल के आसपास 12 के आसपास आपका बैठ जाता है। बहुत बढ़िया बात है भाई, ये चीज़ देख सकते हो आप, बार बार जब इसे लॉक करोगे अनलॉक करोगे तो ये आपका दोनों साइड के होता है। एक बार दोनों करके दिखा दो भाई, देखो ठीक है भाई। तो ये तो रहा गाड़ी के बाहर का लुक जो भी आपको था, लाइटों का जो रिस्पांस है वो भी आपको चेकआउट करूंगा। एक बार इसका हॉर्न भी बजा के दिखाना भाई, जो हमने हॉर्न चेंज किया। तो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टलाइट का हॉर्न, जिसके तो देखो कितनी बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है, इतनी ज़्यादा लाउड भी नहीं है, लेकिन लाउड इतनी है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल हटके ही मानेगा। क्या कहते हो भैया, हटेगा नहीं हटेगा? हाँ भाई साहब, जरूर हटेगा भाई साहब, जरूर हटेगा ना, सामने वाला बंदा मतलब इतनी देर में हट ही जाएगा, घर तक तो लोग हटेंगे भाई साहब। अच्छा, तो भाई जिनकी गाड़ी है भैया वो बता रहे हैं कि घर तक के सारे लोग हट जाएंगे। तो भाई ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। एक बार जो उसकी एलईडी है ना वो भी आपको दिखाया था, एलईडी के अंदर जो मैंने बताया कि भैया ने बताया था कि इसमें क्रिस्टलाइट की एलईडी 120 वॉट डाली है, तो नीचे भी आपको एलईडी मिली है, ऊपर भी एलईडी मिली है, तो दोनों देख लो। आज आपको पहली बार रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइट की एलईडी की, आईपीएस के अंदर क्या रिस्पॉन्स होता था। एक बार ऊपर वाली बंद कर दो भाई, हेडलाइट के इंडिकेटर के साथ और ये डिमन आई के साथ एक बार थ्रो चेकआउट करते हैं इसका। फिलहाल जो आईपीएस का थ्रो है वो चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी डिपर काम करेगा हमारा। तो भाई ये चीज़ देख सकते हो आप, ये है इसके आईपीएस। एक बार बंद करके दिखाओ पहले अंधेरा कितना है, ये देखो भाई अभी है अंधेरा। एक पॉइंट ऑन करेंगे आपका आईपीएच ऑन हो जाएगा, करना भाई, ये देखो अब डिपर मारना इस पर, ये देखो भाई हाई लो देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो डिपर पड़ रहे हैं कौन कौन से हमारे, ये देखो दोनों का थ्रो भी दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों में बातचीत जो आ रही है बहुत बढ़िया आ रही है। इसके बाद भाई बात कर लेते हैं दोनों की एलईडी के साथ। तो ये देखो भाई हेडलाइट ऑन कर दो पूरी, अब डिपर मारना, ये देखो ये अपनी होगी ऊपर वाली हेडलाइट की एलईडी के साथ, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा दूर तक दिखा रही है। पूरी लाइट बंद करके एक बार दोबारा जलाओ पूरी, ये देखो भाई
तो ये हो गया आपका पूरा डिपर, मतलब पहले यहाँ फिर वहाँ, मतलब पूरा रोड कर दिया। नाप दिया तो कस्टमर बता ही देगा, जिनकी गाड़ी है भैया वो बता देंगे। भैया पीछे से आवाज़ दे दो आप, लाइटों में कैसा मजा आ रहा है, पीछे से आवाज़ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, सोनीपत पूरा नजर आ रहा है यहाँ से, देख रहे हो लाइटों का मजा ये है। बात करते हैं भाई गाड़ी के अंदर की, तो गाड़ी के अंदर भी काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें लगाई हैं भैया ने, जो कि भाई देख के आए, जो हमने वीडियो में ऑलरेडी दिखा रखा था आपको, वो सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल पड़ी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके एम्बिएंट लाइट की, तो भाई यहाँ पे कार्डी कंपनी की एम्बिएंट लाइट लगी हुई है। तो भैया एक बार इसको ऐप से कंट्रोल कर दो अपने, तो भाई यहाँ पर देख लो अभी पूरी एम्बिएंट लाइट जो है इसकी ऑफ करवा दी है। यहाँ पे ये कुछ ऐप रहती है इसकी, इससे कंट्रोल करते हैं। लाइट ऑन हो चुकी है, एक बार भैया इसको करके दिखाना, पूरा कलर चेंज कर दिखाओ। ये देखो भाई आप देखो, ब्राइटनेस देखने का मजा जो आएगा वो अब आएगा, क्योंकि पहले मिक्स में चल रहा था। तो ये चीज़ चेकआउट कर सकते हो आप अंदर पूरी गाड़ी के अंदर। ये चीज़ ना पूरे 9 पीसेस वाली है ना भैया, तो 9 पीस में क्या रहता है भैया, मतलब एक साथ चेंज होता है। 4 डोर डैशबोर्ड प्लस 4 पैरों में जो आती है। अच्छा, मतलब आगे पीछे सारा कुछ यहाँ से भी देखोगे तो अंदर भी आपको, वैसे भैया ने यहाँ पे कर्टन लगवा दिए, लेकिन ये देखो भाई, ये देखो ग्रीन गाड़ी का कलर देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो ये देखो, मतलब बातचीत जो आ रही है बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है। एक बार मैं फ्लैश ऑफ करता हूँ, ये देखो भाई पूरी जो कलरिंग है ना वो एक नंबर लग रही है गाड़ी के अंदर। तो भाई बात कर लेते हैं सबसे पहले गाड़ी के अंदर घुसते हुए, यहाँ पे आपको मिलेगी बलिनो वाली जो हमारी स्कफ प्लेट होती है वो, इसके ऊपर अभी कवरिंग है वाइट वाले से, वो रहता है उसका सीन की, यहाँ से हट जाएगा वो, ठीक है। तो ये पूरी ब्लैक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लगती है, देख लो एक बार। जो बैजिंग रहती है ना आपको ओरिजिनल वाली बैजिंग मिल जाती है। उसके बाद अभी बात करते हैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल की, तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाएगा देखने के लिए। तो स्टीयरिंग कंट्रोल चेकआउट कर सकते हो भाई, जिसके सारे के सारे तो फंक्शन है, ये पूरे OEM टाइप है, यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, यही पूरा OEM टाइप है। वो देखो काम भी कर गया वहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आपका बढ़िया काम करेगा, ठीक है। प्लेट जो लगा भैया, इसमें मेगा बॉक्स का प्लेट लगा हुआ है ना, स्टीरियो जो लगा हुआ है, तो इसका हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है भैया कितने की रहती है वैसे? 5000 से एंड्रॉइड अपने पास स्टार्ट हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भी ये स्टेयरिंग का क्या रहता है, 3500 आई थिंक मेरे ख्याल से रहता है इसका ना, चाइना वाला 3500। कंट्रोल ओरिजिनल लगाएंगे तो भैया 4000 ओरिजिनल वाला जो आता है वो लगाते हैं। तो भाई ये देख लो भाई, जो भी हिसाब के तरफ था आपके सामने कई सारे ऑप्शन रख देते हैं, तो जो भी चीज़ आपको इंस्टॉल करवानी है वो चीज़ आप करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होगी पूरी जो एम्बिएंट लाइट है वो यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद भाई सबसे बढ़िया जो है इसके सीट कवर है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे जब हम इसके जो सीट कवर लगा रहे थे, एक बार हमने पजारो में लगाए थे इस तरह के कुछ सीट कवर, तो वही कुछ डिज़ाइन ही वाला मेरे को देखने के लिए मिल रहा है आज यहाँ पे। तो मेरे को मतलब डिज़ाइन देखते ना पता लगेगा कि पजारो में लगा था ये वाला डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बता देना, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हो, जो चीज़ भाई रहती है वो चीज़ आप कमेंट करके बताए तो कि भाई गाड़ी के अंदर ये चीज़ कमी लग रही है। इसको थोड़ा सा माइंड मत करना क्योंकि ये डुअल कलर में था, बट भैया ने बोला हमें चेंज करने के लिए कि हमें चाहिए जो इसी कलर में चाहिए, तो ये कल में आके भैया चेंज करा के ले आएंगे, इसको कोई माइंड मत करना क्योंकि भैया हमारे पास के ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद भाई बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा ये गेट ओपनर वाला होता है, तो ये चीज़ भाई पूरा ब्लैक में आता है, ये चीज़ आपको मिल गया क्रोम में, तो यानी कि चारों के चारों गेटों के आप चेंज करा सकते हो उसको, क्रोम में जो आता है टॉप मॉडल में लग के वो चीज़ आप चेंज करा सकते हो। इसके बाद भाई जो उसका स्टीयरिंग है ये कई तरह में मिलेगा आपको, OEM टाइप मिलेगा, काफी ज्यादा अलग अलग इसमें वैरायटीज आती हैं, तो वो चीज़ भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। बाकी आपके वही है अगेन कि आप क्वालिटी के ऊपर सब चीज डिपेंड करती है, तो जैसी भी क्वालिटी आप लगवाना चाहते हो वो चीज़। जो गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए गए पाइनर वाला पूरा कंपोनेंट लग गया, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पाइनर है, स्पीकर वगैरह सब कुछ कंपोनेंट पूरा पाइनर का है, तो एक बार इसकी आवाज बढ़ाते हैं। जो साउंड आ रही है वो इस एंड्रॉइड सिस्टम पे काफी, यानी कि ये जो साउंड आ रही है भाई ये विदाउट एम्पलीफायर है, मतलब ये जो सिस्टम लगा है मेगा बॉक्स का जो सिस्टम है काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा मतलब इसकी जो साउंड आती है ना स्पीकरों के अंदर डायरेक्टली आप दे सकते हो, जिसकी जो वॉइस है जो आप सुनने को मिलता है स्पीकरों के अंदर बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। तो भाई फिलहाल के लिए ये कुछ काम होता है गाड़ी के, अपने हेडलाइट चेकआउट कर लिया, इंडिकेटर DRL प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ देख लिया, बाकी मेरी अदर्स वीडियो पड़ी है आप वो भी जाकर देख सकते हो, चैनल अपना है सफर बाय AK, तो भाई वो चीज आप चेकआउट कर सकते हो, साइड में लिखा भी आ रहा होगा, इवन आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो भाई
फिलहाल के लिए इस वीडियो करते हैं पूरी की पूरी कंप्लीट। तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, ब्राइटनेस देख लो कम कर दिया मैंने यहाँ पे। हमारी अगर की बंद होती है तो उस टाइम पर आप इसको ना दो ऑप्शन में कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए भाई इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि गाड़ी लग रही है बहुत ज्यादा बढ़िया। बाकी आपकी गाड़ी का इंतजार है, जब तक आपकी गाड़ी आएगी तब तक उसके बाद हो सकता है कि कुछ और भी चीजें इसके अंदर एड ऑन हो जाए। काफी ज्यादा बढ़िया यही गाड़ी भी लग रही है, करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भूलना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं